नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें। दोस्तों इसके प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सबको लिखना है इनकम टैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। इस वेबसाइट में आपको आ जाना है, ठीक है दोस्तों। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपको इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, ठीक है। इसके थ्रू आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपने घर बैठे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, आधार लिंक पर, ठीक है, जिसे मुख्य पृष्ठ पर आपको क्लिक करना है। आपको 31 मार्च से पहले करना है, ठीक है, इसके पहले आपको 31 मार्च से पहले करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आधार लिंक करें, ठीक है। आधार के जो लिंक स्थिति आप चेक करना चाहते हैं इसमें आप क्लिक करेंगे, और अगर आप आधार लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जिससे कि आपका यहाँ पर आधार लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर अपना आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड नंबर आप डालते हैं तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी लिखा है तो आपका जो आधार लिंक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपना डिटेल्स फिल करना है, अपना पैन कार्ड और आधार, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास ऑलरेडी आधार कार्ड ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर मतलब आपका KYC कम्प्लीट है। अगर आप यहाँ पर KYC कम्प्लीट नहीं है और जैसे कि रजिस्ट्रेशन पर आ जा रहा है तो आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर में जो नाम है उसको फिल करके आपको फिर से क्लिक करना है। और आपको जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसमें आपको एक OTP जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो सबमिट करेंगे तो आपको आपका आधार कार्ड यहाँ पर स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं।